हेलो गाइस, इज मी इंडरमाइट गेमिंग और आप सभी लोगों का स्वागत है इंडरमाइट गेमिंग में। तो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट जावा एडिशन। जी हाँ गाइस, मैंने ले लिया है तो कंप्यूटर। लगा मेरा मजाक। ये है वोल्केनो ब्लॉक, इसकी हम यहाँ से सीरीज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लो भाई, FPP मोड थर्ड पर्सन में मैं ऐसे ही तो बिना जाए ही। तो डिफिकल्टी हम रखने वाले हैं नॉर्मल। और गाइज आपको तो पता ही है, मैंने जावा ले लिया है, यू नो। ये इधर इधर कुछ दिख नहीं रहा है भाई। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है SPO गेमिंग को। और गाइज इसका पूरा क्रेडिट जाता है SPO को, SPO गेमिंग को। तो यहाँ ऊपर से एक शलकर गिरा है झोली में हमारी, इसको खोल के देखे तो क्या है, गाइड बुक है जो कि उन्होंने उसी ने लिखी दी है। जरा इसको पढ़ लेते हैं। और शुरू में ही शलकर, हाँ, गोल टू बीट द इंडर ड्रैगन। ओके, वो तो हर इसमें ही रहता है, ठीक है। ओके, ऑप्शनल, ठीक है। प्रो टिप्स गाइस, प्रो टिप्स है, हम तो नूब है। प्रो टिप्स क्या है? मेक एन XP फार्म, यूज लीव्स फॉर नेदर ट्री टू गेट बोन मील फास्टर, नो नीड टू स्लीप, देयर इज नो डे नो और नाइट हियर। ओके, यहाँ नाइट वाइट नहीं होगी, ठीक है। मॉब विद ओनली स्पॉन इन डार्कनेस। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग एंड प्लेइंग दिस मैप मेड बाई SPO गेमिंग हिंदी। सब्सक्राइब, यूट्यूब वुड बी रियली अप्रिशिएट। स्टार्ट बाई बोन मिलिंग इन द ग्रास। ओके, तो गाइज पढ़ लिया है हमने, बहुत ही प्रो तरीके से पढ़ा है। तो मैंने उनकी जो वीडियो देखी थी फर्स्ट, उसमें उन्होंने यहाँ बीच में बोन मिल मारने का बोला है और ये तोड़ने का, ताकि सीड मिले हमें। तो हम फटाफट तोड़ेंगे ऐसे फालतू, फटाफट। देखा, दो सीड मिल गई, और थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो गाइस, जो ये वाला मैप है ना, इसमें आप जितना जल्दी हो सके ना एक कंपोस्टर बना लेना। आपको ये प्रो टिप उसमें नहीं लिखी थी, इसीलिए मैंने बता दी। अब पेड़ की रेसिपी क्या है? देखो गाइस, ट्री की रेसिपी ऐसी है, इससे हमें मिल जाएगा ट्री। बट गाइस देखो, ट्री इसमें ना, ट्री का जो टीक है ना, वो भी बहुत फास्ट है, मैंने वीडियो में देखा है। ठीक है, जो जो मिला है फटाफट इसको स्टोरेज के काम लेंगे गाइस हम। उससे पहले यहाँ पर एक पेड़ लगा दो। और हाँ, मैंने जहाँ तक सुना है या वो करा है ना, तो इसमें टीक फास्ट है, मतलब जल्दी बड़ा हो जाएगा ट्री। गाइस बड़ा हो जा, बड़ा हो जा ट्री, बड़ा हो जा। देखो गाइस, मैं ऐसा करने की कोशिश ये हो गया, देखा, बोला था ना गाइस मैंने आप लोगों को कि टिक ज़्यादा है इसमें, बड़ा जल्दी होगा। इसमें ना डायरेक्ट हम वुडन के अलावा दूसरे ट्री भी बना सकते हैं फटाफट, टूल्स डायरेक्ट बना सकते हैं। ये हो गया, देखो गाइज ये देखो बस, आप कितनी जल्दी जल्दी सब गिर जाएगा। सारा सामान भी ले लेंगे, पहले ना कंपोस्टर भी बना ही लेते हैं, क्या बोलते हो गाइज? लगेगा ये, तो गाइज कंपोस्टर 1 मिनट, ये कैसे बनेगी बोन मिल से? इसीलिए गाइज बोन मिल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इसलिए फटाफट से कंपोस्टर बना लो। उसको भी यहीं रख दो। और सेपलिंग 4 हो गई। देखो सेपलिंग तो हम वापस से बना लेंगे, 2 सेपलिंग और आ गई। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी। गाइज ये गलती हो गई मेरे से, मैंने गलती से सारी सेपलिंग डाल दी।
फ्लावर भी बहुत काम आएंगे गाइस ये वाली सीरीज में हमको, तो बड़ा मजा आएगा इसको खेलने में। फटाफट सब तोड़ो, फूल तो सब मैं इसी में डाल दूंगा। एक और है, ये ले भाई, इधर एक और है। आयरन कैसे बनेगा? रुको, मेरे को की मैपर को थोड़ा वो करना पड़ेगा। अभी भी सर्च ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्राफ्टेबल से हटे अगर हम इसमें जाएं, इसी में मिलेगा आयरन, आयरन मिलेगा इससे, इनगट मिलेगी ग्रेवल से, और ग्रेवल का ऐसे मिलेगा। ये होगा ना ग्रेवल, ग्रेवल तो ग्रेवल बनेगा कबल स्टोन से, ये बनेगी एक बना के, एक कबल स्टोन बनाएंगे गाइस हम। अरे चार से मिलके शायद कबल स्टोन बनेगा मेरे हिसाब से। कबल स्टोन, वेयर इज कबल स्टोन, कबल स्टोन। अच्छा लकड़ियों से बनेगा, लोल गाइस लोल। ओके कोई बात नहीं, फिर भी ये बनाएगा, ये बन जाएगा आयरन। ठीक है देख लेंगे ये गाइस से बनेगा। देखो गाइस इसमें मतलब मैंने ऐसा सुना है कि ये जो मैप है इसमें जो वाटर नहीं होगा हमारे पास, तो मतलब वाटर तो भूल ही जाओ। और हाँ गाइस मैं क्या कर रहा हूँ? अरे भाई 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 साहब, देखो गाइस मैंने पूरा सामान वेस्ट कर दिया। वैसे तो कोई मतलब नहीं है बोन मिल का, हाँ मतलब है, मतलब ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी नहीं है। और क्या कर सकते गाइस अब हम, बड़ा हो जाओ बड़ा, टेस्ट कर देते क्या चाह रहे हैं। बट हाँ गाइस, और मैं और गाइस एसपीओ को सब्सक्राइब करना, उसी ने बनाया ये मैप। आ जा, उफ गाइस मैं अभी गिर जाता पक्का। और गाइस यहाँ बिना वोटर के कोई फार्म वार्म बनाना इट्स नॉट इजी। इसमें फार्म बनाएंगे मॉब फार्म, वो भी बिना उसका पानी का, या बारी और हाँ प्रोगिरी मत दिखाने लग जाना, या कोल्ड्रोन से वो डाल के हो जाएगा, नहीं होगा कुछ है ना। ठीक है तो प्रोगिरी मत दिखाना अपनी, ना प्रो के चक्कर में रो हो जाओगे। इसको थोड़ा स्टोरेज की तरह यूज कर लेते हैं। ओक सेपलिंग काम की, तो गाइस इस मैप को हम रेटिंग पूरी पूरी देंगे 10 में से 10। अब तक तो आगे का कुछ पता नहीं, जब तक ये ट्री ग्रो नहीं होता। हो जा ट्री, ग्रो हो जा ट्री। देखा गाइस टिक करने से हो जाएगा शायद ग्रो। आज हम है ना वुडन टूल बना लेते, आज के इस एपिसोड में आउट्रो कर लेंगे थोड़ी देर से। वैसे देखो ज़्यादा लंबा मैं इस सीरीज़ को खींचूंगा नहीं, तो ऑफलाइन भी मैं बहुत सारा काम करूंगा। अगला वीडियो हो सकता है सर्वाइवल सीरीज़ पे आ जाए। मैंने एक नया वर्ल्ड बना लिया जिसमें मैंने बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली है। सब जाएगा पर हम इधर जाके वुडन टूल, स्टोन के टूल बनाएगा। आ गए, एक स्वॉर्ड बन गए। देखो कोई सम डायरेक्ट उसके भी बना सकते ग्रेवल से, लेकिन अभी ना
थोड़ा उसमें रहते हैं मेरी मानो, जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सुन लो मेरी बात, ठीक है? बाद में भी कर सकते बाकी चीजें, जैसे ये एक्स की जरूरत है, ठीक है? तो गाइस ऐसा, ओके ये वाला ट्री भी बड़ा हो गया। इसके थोड़े से हम स्लैब बना के एक काम करेंगे, इसको यहाँ लगाएंगे बिल्कुल, और इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं एक ऊंचाई पे। तो गाइज ये तो मैं ऑफलाइन करने वाला हूँ, ऐसी सब चीज़ें तो मैं दिखाऊंगा नहीं आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें मैं ऑफलाइन भी करूँगा। तो बढ़ते हैं आउटरो की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारा ज़रूरी काम सेपलिंग कलेक्ट करना है। बोन मिल भी है, एक ट्री फार्म भी बनाना है, एक उगा के बाकी सबका बोन मिल बनाऊंगा मैं। जा तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा और जय वंदे मातरम।